कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से। तब तक सारी दुनिया को भारत की अकूत धन संपदा और उसके सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण होने का पूर्णतया आभास हो चला था। शायद यही कारण था कि यूरोप की कई सामरिक शक्तियां भारत के इस अकूत धन संपदा में अपना हिस्सा लूटने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। सर्वप्रथम डच, उनके पीछे पीछे फ्रेंच और यहाँ तक कि डेनमार्क जैसे पिद्दी से मुल्क ने भी भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बंदरबांट के इस खेल में आखिर में एंट्री होती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1612 तक भारत के विभिन्न इलाकों में 12 से ज्यादा फैक्ट्रियां खोल रखी थी। शुरू शुरू में तो इनका रिश्ता मुगलों के साथ बिल्कुल ठीक रहा, बिल्कुल सास बहू जैसा, लेकिन जल्द ही इनके रिश्ते बिगड़ते नजर आए। मामला पहली बार तब बिगड़ा जब सन 1682 में कलकत्ता को बसाने वाले एजेंट जॉब चारनॉक ने हुगली नदी के दूसरी ओर बसे मुगल इलाकों और किलों पर कब्जा करने की कोशिश की। औरंगजेब का तो मानो दिमाग ही सरक गया। उसने ना सिर्फ चारनौक पे हमला करके उसके सैनिकों को तहस नहस किया, बल्कि दूर मुंबई में बसे बंदरगाह में भी हमला करके 100 से ज्यादा अंग्रेजों की गर्दनें उतरवा दी। मामला तब शांत हुआ जब अंग्रेजों ने औरंगजेब के कदमों में नाक रगड़ी और 6 लाख सोने की मोहरें देकर जैसे तैसे उसका गुस्सा शांत कराया। साथ ही अंग्रेजों ने मुगलों की शान में दोबारा गुस्ताखी ना करने की कसम भी खाई, मगर यह कसम अंग्रेजों ने सन 1707 में औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद ही तोड़ दिया। अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो छोटी छोटी रियासतों को एक दूसरे से लड़वाने लगे। इधर औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का रुतबा धीरे धीरे बिल्कुल घटने लगा और अपने प्रभुत्व को सिमटता देख मुगल अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने से खुद को रोक न पाए। यूरोप में चल रहे एंग्लो फ्रेंच वॉर का असर अब भारत में भी दिखने लगा था। छोटी छोटी रियासतें या तो अंग्रेजों या तो फिर फ्रेंच के पालों में जा बैठी थी। उथल पुथल भरे इस दौर में नई नई बनी बंगाल रियासत के नवाब अलीवर्दी खान ने अपनी रियासत को मुगलों के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए अंग्रेजों की ओर हाथ बढ़ा दिया। उसने मुगलों से सुरक्षा के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक करों में छूट देने का प्रस्ताव दिया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को केवल व्यापार तक ही सीमित रखा, उन्हें कभी अपने प्रशासनिक मामलों में दखल देने की छूट नहीं दी। मगर यह जल्द ही बदलने वाला था। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद गद्दी मिली उसके नाती सिराजुद्दौला को, जो केवल 18 वर्ष का एक अपरिपक्व बालक ही था। ठीक उसी वक्त सिराजुद्दौला खान को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और उसके इर्द गिर्द किलेबंदी की खबर मिली, जिसे सुनकर वह सिरे तक चिढ़ गया। और उसके बाद उसने ठीक वही किया जो कोई भी 18 वर्षीय युवक करता यदि उसके पास 50,000 की सेना होती और उसे कोई छोटा मोटा व्यापारिक संगठन परेशान कर रहा होता। उसने आव देखा न ताव, सीधा कलकत्ता पर हमला करके 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास की एक विवादास्पद घटना मानी जाती है। लगभग जिन 150 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंदी बनवाया था उसमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। उसने इन सभी को काली कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन जब ये कोठरी खोली गई तो इसमें से इक्का दुक्का ही बचे थे। भारी संख्या में बंदियों की मौत हो चुकी थी। यह मनहूस दिन था सन 20 जून 1956 का। अंग्रेज इस घटना का बदला लेने का मन बना चुके थे और उन्होंने एक साल के बाद ठीक वैसा ही किया। सिराजुद्दौला अपने अंत की ओर कदम बढ़ा चुका था। 23 जून सन 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाएं कलकत्ता से 140 किलोमीटर दूर स्थित पलासी नामक गांव में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यह गांव इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने जा रहा था। एक तरफ
सिराजुद्दौला अपनी साथ 50,000 की फौज लेके आया था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3,000 की संख्या में मौजूद थे। दूर से देखने पे यह लड़ाई कुछ यूं प्रतीत होती थी। सिराजुद्दौला अपनी 50,000 की सेना और अपने मित्र फ्रांसीसियों के दिए 50 से ज्यादा आधुनिक तोपों की बदौलत अंग्रेजों को मसलने का ख्वाब देख रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव के सपने कुछ और ही थे। वह बहुत जल्द अपने तुरूप का इक्का खेलने जा रहा था। इतिहास को जानने वाले कहेंगे कि यह तुरूप का इक्का मीर जाफर नाम का एक गद्दार था। मीर जाफर अपनी 10,000 की सेना लेकर सिराजुद्दौला की मदद करने आया था, मगर ऐन वक्त में वह सिराजुद्दौला की टीम से हटकर अंग्रेजों से जा मिला। लेकिन इतिहासकार इसे निर्णायक नहीं मानते, यानी सिराजुद्दौला की हार मीर जाफर नामक गद्दार की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हार का सबसे बड़ा कारण कुछ और था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, एक तिरपाल ही बना था सिराजुद्दौला की हार का कारण। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने वाला रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ मद्रास से ही 500 तिरपाले लेके आया था, जबकि सिराजुद्दौला की सेना को तिरपाल का उपयोग पता ही नहीं था। युद्ध से ठीक एक दिन पहले हुई थी बारिश, जिसमें इन तिरपालों की मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने गोले भंडारों को ढक रखा था, जबकि सिराजुद्दौला के पूरे गोले भंडार अस्त्र शस्त्र खुले आसमान के नीचे बारिश का शिकार हो गए। तो अगले दिन जब दोनों सेनाएं युद्ध में आमने सामने थी, तो सिराजुद्दौला के अस्त्र शस्त्रों का और खास करके बारूद के भंडारों की अहमियत गोबर के उपलों से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गई थी। हालत यह थी कि सिराजुद्दौला द्वारा जमा की गई तोपें अब अंग्रेजों को तभी नुकसान पहुंचा सकती थी जब कोई उन तोपों को उठा उठाकर अंग्रेजों पर फेंके। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा लाई गई केवल 8 तोपें ही सिराजुद्दौला की पूरी सेना पर भारी पड़ी और प्लासी का यह महान युद्ध 3 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाया और अंततः सिराजुद्दौला मृत्यु गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि फ्रांसीसियों को भी बुरी तरीके से झकझोर दिया था। भारत भूमि पर राज करने का उनका सपना अब अंग्रेजों ने कब्जा लिया था। मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, उसे अंग्रेजों ने नवाब तो बना दिया, मगर वह बहुत दिनों तक अपनी गद्दी पर टिक नहीं पाया। खैर, यह कहानी हम किसी और दिन सुनेंगे। बहरहाल, कभी कभी यह सोचता हूँ कि क्या होता यदि उस दिन तिरपाल लेकर आया होता सिराजुद्दौला, तो शायद इस लड़ाई का नतीजा कुछ और होता। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला और फ्रेंच मिलकर भारत पर 200 साल तक राज कर रहे होते और हमारी हालत कुछ यूं होती, या फिर हमारे बच्चे आज अंग्रेजों का क्रिकेट की बजाय फ्रांसीसियों द्वारा बनाया गया टेनिस खेल रहे होते। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या होता यदि अंग्रेजों की बजाय फ्रांसीसियों ने हम पे राज किया होता।